हेलो फ्रेंड्स, आज हम एज कैलकुलेट करना सीखेंगे, उम्र निकालना सीखेंगे कि आज की डेट में हमारी उम्र क्या हो चुकी है। ठीक है, तो सबसे पहले एज कैलकुलेट करने के लिए हमें टुडेज डेट लिखनी होती है। जैसे आज की डेट ये मैंने लिख दी और डेट ऑफ बर्थ लिखनी होगी, तो टुडेज डेट में से डेट ऑफ बर्थ को माइनस करेंगे तो हमें हमारी डेट पता चल जाएगी। इसके लिए हम सबसे छोटी यूनिट से शुरू करते हैं। जैसे सबसे छोटी यूनिट होती है डे, देन उसके बाद मंथ, देन ईयर। तो हम सबसे पहले डे को माइनस करेंगे, तो 20 डे में से 15 डेज को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 5। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5। अब 11 मंथ है और 9 मंथ को माइनस करना है, तो 11 में से 9 को माइनस करेंगे तो हमें मंथ मिल जाएगा 2। ठीक है, अब हमें 2022 में से 2015 माइनस करना है तो हमें मिल जाएगा 7। ठीक है, इस तरह से हमें हमारी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आज की एज पता चल चुकी है, उम्र हमारी पता चल गई है। तो ये एक प्रोसेस होता है, उम्र निकालने का आसान तरीका होता है ये। एक तरीका और होता है, जो दूसरा तरीका है उसमें हमको कैरी लेना होता है, वो तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। इससे आपको अपनी डेट पता चल गई, अपनी एज पता चल गई, जिससे आप 7 ईयर 2 मंथ एंड 5 डेज के हो चुके हैं। ठीक है, अब आपको मैं दूसरा तरीका बताने जा रहा हूँ जिसमें हमें कैरी लेना होता है। इसमें टुडेज डेट की जो डेट है, मंथ है, वो छोटे होते हैं डेट ऑफ बर्थ से। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना होगा, इस कंडीशन में हमें कैरी करना होगा। अब 10 डेज यहाँ पे है और मंथ में 5th मंथ है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ में 15 डेज है और 12th मंथ है। तो इस तरह से इसको माइनस करने के लिए एक अलग तरीका यूज़ करते हैं हम। इसके लिए हमको 10 में से 15 माइनस करना है, तो ये माइनस नहीं हो पाएगा। इसको माइनस करने के लिए हमें कैरी करना होगा, तो अब हम यहाँ से कैरी करेंगे, मंथ को कैरी करना है, एक मंथ पूरा कैरी करेंगे हम। तो मंथ में 30 डेज होते हैं, लेकिन यहाँ पे मई महीना है, मई का महीना है, मई मंथ में 31 डेज होते हैं, 31 डेज होते हैं, तो हम पूरा 31 डे कैरी करेंगे, 31 दिन हम पूरा कैरी करेंगे। तो हम जब 31 दिन कैरी करेंगे तो हमारे पास टोटल 31 प्लस 10 डेज, 31 प्लस 10, 41 हो जाएगा, 41 माइनस 15, 26th डे हमारे पास यहाँ पे 26 मिल जाएगा। ठीक है, अब हम मंथ को माइनस करेंगे। मंथ माइनस करने के लिए अब हमारे पास एक कैरी देने के बाद 4 मंथ्स बच गए, 4 मंथ्स को हम माइनस करना है, 4 मंथ से हमें 12 मंथ को, ये माइनस नहीं होगा। तो अब हम फिर कैरी करेंगे अपने बगल वाले से, अब हम यहाँ से एक पूरा ईयर कैरी करेंगे, ईयर का मतलब 12 मंथ्स, 12 मंथ को हमने कैरी किया और 4 हमारे पास पहले से है, तो 12 प्लस 4, 16 मंथ्स हो गए हमारे पास। अब 16 मंथ्स में से हमें 12 मंथ को माइनस करना है, तो हमारे पास मिल जाएगा 4। ठीक है, तो हमारे पास मिल गया 4 मंथ। देन अब हम ईयर को माइनस करेंगे, ईयर माइनस करने के लिए हम एक ईयर जो है कैरी दे चुके हैं, तो हमारे पास 21 बच गया। अब 21 में से 13 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 8 ईयर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारी जो एज हमें मिल गई, 8 साल 4 महीने 26 दिन, 8 ईयर्स 4 मंथ्स एंड 26 डेज। तो इस तारीख को, मतलब 10 मई 2022 को, इस व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो डेट है वो 8 साल 4 महीने 26 दिन हो चुकी है। तो ये सबसे आसान तरीका होता है। इस तरह से हमें दोनों तरीके की एज को कैलकुलेट करने का इजीली आसान तरीका मिल चुका है। तो अब हम अपनी एज को कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो आज ही आप अपनी एज को कैलकुलेट करें और सही उम्र निकाल लें, अपनी सही उम्र को जान लें। थैंक यू।